दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी की बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े और दिग्गज नेता बैठक में मौजूद है। तो आने वाले समय में चुनाव की रणनीति को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर और किस तरह से आगे बढ़ना है, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चिंतन मंथन किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से। हालांकि मध्य प्रदेश में कई चुनाव समितियों का गठन कर दिया गया है, खुद केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अमित शाह यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी जो चुनाव समितियां हैं, प्रबंधन समितियां, उनका गठन नहीं हुआ है। यहां पर आने वाले समय के लिए जो चुनौतियां हैं कुछ ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। जाहिर तौर पर दोनों ही राज्यों में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह से आगे मध्य प्रदेश में पार्टी बढ़ गई है, यहां पर नहीं बढ़ी है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन इस बैठक में जरूर होगा। तो इस बैठक की ये तस्वीरें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम वो बड़े और दिग्गज चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कितना वक्त हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए और कब तक ये बैठक चलनी है, क्या इस बैठक को लेकर कोई विषय तय किए गए, प्रमुख विषय तय किए गए, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, दो चरणों में बैठक होती हुई जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में नजर आ रही है। एक चरण की बैठक खत्म हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ अब फिलहाल जो ये बैठक है वो खत्म हो चुकी है और अब मध्य प्रदेश के नेता जो है बैठक करते हुए जो है नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिलते हुए जो आने वाले समय में नजर आएंगे। लगभग बात करें तो 20 से 22 जो है सीट जो है विशेष तौर पर जो है आज के चर्चा का विषय जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, और उसके साथ साथ जो कैटेगरीज है उसमें जो है नेताओं को जो है बांटा गया है। टिकट वितरण में वो कैटेगरी जो है काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ए बी सी डी जो है कैटेगरीज देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बी कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो एक बार चुनाव हारे हुए नेता हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ जो सी कैटेगरी है वो भी इसी प्रकार से जो दो बार हारे हुए नेता है, और डी कैटेगरी में वो ऐसे नेता जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन चुनाव जो है वो एक बार भी नहीं जीते हैं। तो ये फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से बैठक से जो जो बड़ी जानकारी है वो निकल कर जो है सामने आ रही है कि नेताओं को साफ तौर पर जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें जो है बांटने का काम जो है आने वाले समय में देखने को मिलता नजर आएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश की बैठक होगी उसमें किस तरीके का लिया जाएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, आपने बताया कि 22 कैटेगरीज बांटी गई है, इसमें क्या कोई बड़े बदलाव और संगठन में होने को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही, किसी पद को लेकर, किसी नए समिति के गठन को लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, आप 20 से जो 25 सीटें हैं वो जो है कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हुई है वो जो है चर्चा होती नजर आई है, और जो कैटेगरी थी वो चार जो कैटेगरी उनमें जो है नेताओं ने पार्ट किया। हालांकि सूत्रों के वाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं, आने वाले समय में अपने नेताओं से लगातार हम बातचीत करेंगे तो और ज्यादा चीज विस्तृत जानकारी निकल कर सामने आएगी। लेकिन एक पूरा रूपरेखा किस तरीके से चुनाव लड़ने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो इस तरह की बैठक है वो चुनाव के बाद अमूमन जो है देखने को मिलती हुई नजर आती थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्योंकि अब जो है चुनाव से पहले इस तरह की बैठकें हैं तो क्या कोई बड़े बदलाव के संकेत भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या चुनाव घोषित होने से पहले या फिर चुनाव घोषित होने के आसपास जो टिकट वितरण का फॉर्मूला होता है या फिर जो टिकट वितरण कर की जानी चाहिए चुनौतीपूर्ण सीटों को लेकर वो जो है जल्दी देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे तमाम जो एजेंडों को लेकर जो है डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें दोनों जगह चुनौतियां बड़ी देखने को मिलती हुई नजर आती है। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि एक मजबूत सरकार मजबूत विधानसभा सीटों के साथ जो है कांग्रेस चलाती हुई नजर आ रही है, और वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस चुनौती देती हुई नजर आई। कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आई है,
कुछ चुनौतियां हैं भारतीय। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब बारी मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश में किस तरह के बदलाव होते हैं इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक हुई, इसमें 22 कैटेगरीज में बांटा गया है, अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। और बताया जा रहा था, जैसे हमारे संवाददाता स्पर्श बता रहे थे दिल्ली से, कि जिनको टिकट मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है, जो काम कर रहे हैं, किनको टिकट देना है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई जा रही है।